हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि दो को दो में जोड़े तो हमें फाइव प्राप्त होता है, ना कि फोर प्राप्त होता है। ये वीडियो में मैं कंप्लीट प्रूव करके दिखाऊंगा कि वाकई में दो को दो में जोड़ने पे फाइव प्राप्त होता है। वीडियो को कंप्लीट देखना और पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं क्लास स्टार्ट। हम सब जानते हैं कि जीरो, यहां से देखिए प्रूफ, इसका प्रूफ देखिए। हम सब जानते हैं कि जीरो हमेशा इक्वल होता है किसके, जीरो। ये जानते हैं, अगर हम 20 में से 20 घटाएं और 25 में से 25 घटाएं तो हमें जीरो मिलेगा। यानी जो हम नेक्स्ट लाइन लिखे हैं, ये स्टेप लिखे हैं, ये इस स्टेप को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। इसके बाद देखिएगा, हम इसको गुणनखंड के रूप में ले सकते हैं, इसको 4 × 5 लिख सकते हैं माइनस, और इसको भी 4 × 5 या 4 × 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, और इसको भी 5 × 5 लिख सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें 5 कॉमन ले लो, यहां पर 4 कॉमन, कितना पूरा कॉमन, या फिर 5 कॉमन हो, यहां से कितना कॉमन लो, 4 कॉमन लो, 5 मतलब 4 लोग, 4 कॉमन ले लिया, यहां से कितना बचा 5 − 5, ठीक है। और इधर भी कितना कॉमन लो, 5 कॉमन लो, और इधर कितना बचेगा 5 − 5। इस 5 − 5 से ये 5 − 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचा 4, इधर कितना बचा 5, यहां पे देखिएगा इधर तो बचा 4, इधर बचा 5, ठीक है। अब देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 + 2 = 5। यानी हमारा प्रूफ हो गया कि दो में दो को जोड़ोगे तो 5। देखिएगा यहां पे कौन सी मिस्टेक हुई है जिसके कारण गलत हुआ है, या फिर ये रियल में ऐसे होता है या नहीं, कमेंट में बताना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक वीडियो को करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल सब कुछ और को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।